आज विधानसभा के अंदर एक प्रश्न लगा कि पिछले 1.5 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने नए उद्योग लगे हैं और कितने उद्योग जो हैं जो जहां से चले गए हैं और उनको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी। मुझे इस बात का दुख है कि आज विधानसभा के अंदर जवाब यह दिया गया कि 5,293 उद्योग लगे हैं पिछले 1.5 साल में। आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी ये प्रश्न पूछेंगे तो वो भी ऐसा जवाब नहीं देगा। 5,293 यह उद्योग जो है वो पिछले 1.5 वर्षों में लगे हैं, सरासर गलत है, सरासर झूठ है। पिछले 2 वर्षों के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई गई हैं, जिस प्रकार से बिजली की दरें बढ़ी हैं, जिस प्रकार से बाकी के टैक्स बढ़े हैं, उन सभी को देखते हुए यहाँ से जो उद्योग है वो पलायन कर रहे हैं। मैंने आदरणीय उद्योग मंत्री जी से पूछा कि आप इसको डिफाइन करिए, किस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि इतने उद्योग लगे हैं। क्या जो उद्योग पहले से लगे हैं उन्होंने एक्सपेंशन की है, क्या आप उसको भी इसी में जोड़ रहे हो? क्या कोई रेंट के ऊपर अपना उद्योग चला रहा था, उसने रेंट का पोर्शन छोड़ के रेगुलर जमीन ले ली, क्या उस पर लगे उद्योग को भी आप आज ये मान रहे हो कि अभी लगा है? उनके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था और उल्टा वो ये बोल रहे थे कि इसमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंदर आने वाले यूनिट भी हैं। और आपके ध्यान में रहे कि पिछले 1.5 वर्षों से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंदर नौजवानों द्वारा जो सब्सिडी है वो सरकार नहीं दे पा रही है, इसलिए पूरे के पूरे सदन को इस प्रकार के झूठे जवाब दे के गुमराह करना बड़ा चिंता का विषय है। मैं तो आपके सभी चैनलों के माध्यम से सभी मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके आम जनमानस को, हिमाचल प्रदेश की जनता को इस प्रकार से गुमराह ना करें। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इंडस्ट्री है वो लगातार यहाँ से जा रही है। मैंने उनको बोला कि आपने केवल के किरण पी इंटरनेशनल नाम की एक है, उसको बोला हरियाणा में जो है वो चली गई है, लेकिन आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान लीवर, सर्वोत्तम केयर, मैरिको, जॉनसन फैमिली, हिल फूड, SMS इंटरनेशनल ये बंद हो गई हैं, यहाँ से चली गई हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में कोई अपने जवाब में मेंशन नहीं किया। आपके ध्यान में रहे कि विप्रो, कोलगेट, प्रोक्टर एंड गैम्बल, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है उसको लिमिटेड कर दिया है और बाकी की सारी प्रोडक्शन दूसरे प्रदेशों के अंदर हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, जिस प्रकार के समय समय के ऊपर पॉलिसी मैटर्स के ऊपर डिसीजन हो रहे हैं, आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश से उद्योग और वापस जहां से जाएगा, मेरा निवेदन रहेगा कि हम उन पॉलिसीज को इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रिस्टों के साथ बैठकर उसके बारे में जो पॉलिसी हमने बनानी है ताकि वो लोग हिमाचल प्रदेश को छोड़कर ना जाएं। हिमाचल की सबसे बड़ी अट्रैक्शन सस्ती बिजली है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज जो बिजली है वो आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ से भी महंगी हो रही है। सर आपको लगता है कम उद्योग लगे हैं? भाई साहब बहुत कम उद्योग लगे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डिफाइन करिए, इसकी डेफिनेशन बनाइए, परिभाषा बनाइए कि आप बोल क्या रहे हैं। इसे बहुत कम उद्योग लगे हैं, जैसी स्थिति है, जिस प्रकार की पॉलिसी भाई सुखू जी ला रहे हैं उसके कारण से जहाँ से जा रहा है उद्योग आ नहीं रहा। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि प्लान तो होता रहता है, प्लान ऐसे नहीं हो रहा, प्लान इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहे हैं। आज बद्दी बरोटी वाला के अंदर जो ग्रोह काम कर रहे हैं, आज बद्दी बरोटी वाला के अंदर जिस प्रकार से जो MLAs हैं उनके परिवारों के ऊपर उंगली उठ रही है, आज उनसे बोला जा रहा है कि जो वहाँ पे जो कुछ भी धंधा हो रहा है वो सारा सारा परिवारों की तरफ से चल रहा है। इन सारी बातों के कारण से उद्योगपति हिमाचल प्रदेश में दुखी है और वो यहाँ से जा रहा है।